नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है आपको, कॉपीराइट स्ट्राइक हट चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी लोगों का हाथ जोड़ के जिन लोगों ने हमारे लिए इतनी सारी मेल की। करीबन जहां तक मुझे पता चला है करीबन 10,000 के आसपास लोगों ने मेल की। बहुत बहुत शुक्रिया, इतना नहीं पता था कि इतना चाहते हैं आप लोग। दूसरी बात है, कुछ लोगों ने बहुत स्पेशल प्रयास किए हैं, उनका नाम लेना बहुत जरूरी है। एक गौरव सिन्हा जी हैं जिन्होंने पूरा जो है डीडी यूपी में बात करी, पूरा सिस्टम पता किया कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। एक उदय जी हैं जो हमारे लिए ये ड्राफ्ट कर रहे थे कि जब काउंटर स्ट्राइक की हमने मेल की थी और रिजेक्ट हो गई थी तो कैसे कैसे हम लोग को करना चाहिए। प्लस और भी कई सारे लोगों ने हमको बोला है कि लीगल सपोर्ट अगर चाहिए हो या फिर कोई भी चीज़, बहुत लोगों ने साथ दिया है। एक पीयूष जी, उन्होंने लगातार कई बार पूछा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद है। मतलब जितना मैं बोल सकता हूँ उतना कम है। कॉपीराइट स्ट्राइक हटाना इसलिए जरूरी था क्योंकि मोटिवेशन लेवल कम हो रहा था। हालांकि उससे वीडियो में कोई वो चीज़ नहीं थी, लेकिन ये है कि मतलब चैनल पे अगर कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाए तो उसका जो है अगर आप देखें तो ब्रांड पे मतलब एक झटका होता है बहुत बड़ा। ठीक है, और यूपीपीसीएस में हमने इतना काम किया है, फिर यूपीपीसीएस के सारे प्रयास वेस्ट हो सकते थे। अगर कहीं दो और कोई लगा देता तो तीन में तो चैनल ही उठ जाता। हालांकि अब हट गई है, यूपी डीडी यूपी ने हटा ली है वो, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनली उन्होंने ये समझा कि हमने उनका कोई कॉपीराइट वायलेट नहीं किया था, हमने जो समरी है वो अपने शब्दों में मैंने ही बनाई थी। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, उस थंबनेल में जो है मैंने थंबनेल जो ली थी उसमें मैंने क्या किया था, उनके वीडियो जो चल रहा था उसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया था। बस उसमें शायद उन लोगों ने जो है ये समझा कि मैंने उनका कॉपीराइट वायलेट किया है। चलो आगे से एक बहुत बड़ी सीख मिली कि कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं वैसे कभी नहीं करता हूँ, थंबनेल जो होती है वो हमारी खुद की, मैं खुद बनाता हूँ जनरली, आपने देखा होगा। बहुत सिंपल सी रहती है थंबनेल, को बहुत ज़्यादा हम शो ऑफ नहीं करते हैं उसमें, और बहुत ही मतलब जो है जैसे मतलब रियल लाइफ के चीज़ें होती हैं मैं वही सब चीज़ लिखता हूँ थंबनेल में। कई लोग उसको बोलते हैं कि बहुत चाइल्डिश सी थंबनेल लगती है, लेकिन मैं बहुत रियलिटी में जीता हूँ, मतलब रियलिज्म में जीने की मुझे आदत है और जो जैसा है वैसे ही दिखाना चाहिए। यूट्यूब में कई सारे लोग जो है थंबनेल को बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड कर देते हैं, मैं बहुत सिंपल रखता हूँ। तो ये सबका अपना अपना तरीका है, और लेकिन आप लोग इस समय हमारे साथ खड़े रहे, मतलब कसम से यार मैं इसका जो है कर्ज नहीं उतार सकता हूँ, इसीलिए मैं लगातार यहाँ पे लगा हुआ हूँ। मैंने आपको बताया सारे जो सीरीज है वीडियो बिल्कुल फ्री रहेंगे। अभी 15 दिसंबर को प्रीलिम्स है यूपी पीसीएस का, उसके लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी पीसीएस की, आप लोग देख लीजिएगा। मेंस का 18 अक्टूबर को है, GS 1 2 3 4 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी देख लीजिएगा आप। और प्लस बीपीएससी के लिए पूरी बिहार जी के हम फ्री देंगे आपको, पूरी की पूरी बिहार जी के पढ़ाएंगे। ठीक है, ये जो है पढ़ाना बिहार जी के का टोटल मेरे हिसाब से अगस्त एंड तक हम पूरी बिहार जी के आपको पढ़ा डालेंगे, पूरी एमपी जी के भी जो मैं हमारे चैनल पे बना रहे हैं लोग वो पूरी कर देंगे आपको अगस्त के एंड तक। एमपी जी के कवर हो जाएगी, बिहार जी के कवर हो जाएगी, यूपी जी के मैं खुद करूंगा। ठीक है, वो सितंबर के आसपास तक हो पाएगी, सितंबर या अक्टूबर तक हो पाएगी। हम लोग का तो एग्जाम 15 दिसंबर को, बहुत दूर है। यूपी पीसीएस की सारी टेस्ट सीरीज के सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। प्लस मैं आपको और बता दूं, जैसे एमपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज के मैंने वीडियो पहले ही बनवा लिए थे, वो भी मैं पब्लिक कर दूंगा, बस नोटिफिकेशन का वेट कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ पीसीएस के भी जो है वीडियो बन चुके हैं हमारे, उसको बस यहाँ पे अभी 2-3 दिन में ना सब अपलोड करूंगा एक दिन बैठ के, और पूरा जो है लगा डालूंगा उसको। ठीक, यूपीएससी मेंस 2019 जो लोग दे रहे हैं वो लोग 2013 से 18 तक की पूरी एनालिसिस देख लीजिए विद आंसर, और जो लोग यूपीपीएससी 2018 पीएससी 2018 मेंस दे रहे हैं वो भी देख लीजिए, क्योंकि पीसीएस में मेंस पहली बार इनके पैटर्न पे हो रहा है, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। और बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं हम लोग, पीएसआईआर का ऑप्शनल पूरा खत्म हो चुका है, 145 वीडियो का, पपेट का खत्म हो चुका है, उसको जल्दी पब्लिश कर दूंगा, 64 तक हो चुका है। एक एक करके करूंगा, एक साथ व्यूज नहीं आएंगे क्योंकि फिर ना, और YouTube में फिर अब थोड़ा सा हर चीज़ जो है सोच समझ के करनी पड़ती है धीरे धीरे, तो सब कुछ आराम आराम से करेंगे। कोशिश हमारी है, आप लोगों में से कोई प्लीज़ आगे आइए और ज्योग्राफी पढ़ा दो यार, बहुत मैं बार बार डील करता हूँ लेकिन वो डील पूरी नहीं हो पा रही है। मैं चाहता हूँ कि ज्योग्राफी वाला ऑप्शनल भी पूरा दिया जाए फ्री में, और पैसे मैं उनको देने को तैयार हूँ जो भी स्टैंडर्ड मार्केट रेट है, लेकिन हमारे स्टूडेंट के लिए वो फ्री रहेगा। कोई आगे आओ यार आप लोगों में से, भूगोल पढ़ा दो, भूगोल पढ़ा दो और हिस्ट्री पढ़ा दो। हिस्ट्री वैसे हमारे चैनल में की जा चुकी है लेकिन उसमें पूरा सिस्टमेटिक नहीं किया हुआ है, तो भूगोल और हिस्ट्री कोई पढ़ा सकता है तो आगे आइए, और डिफेंस कोई पढ़ा सकता है तो आगे आइए, बीपीएससी का एलएसडब्ल्यू कोई पढ़ा सकता है तो आगे आइए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, सारे कोर्सेज
कोर्सेज हमारा जो एम है, सिंपल एम है, मैंने आपको पहले भी बताया था, उसमें कोई छिपाने वाली चीज नहीं है। जो भी है कि अगर हमको यूट्यूब से कोई कमाने मैंने के कोई हमारा सोर्स नहीं है, ना हम यूट्यूब पे कोई ऐसे डिपेंडेंट हैं। यूट्यूब सिर्फ एक मार्केटिंग का वो है, और यूट्यूब में एक सर्व करने का है कि आप सभी लोगों को फ्री चीजें प्रोवाइड करवाई जाएं, ठीक है। पेड ग्रुप में जो भी पैसे आएंगे उसको मैं इसी में लगाऊंगा, या तो कोई नया ऑप्शनल चालू करवाऊंगा या फिर और कोई नया कोर्स चालू करवाऊंगा। बाकी ऑलमोस्ट सारी स्टैंडर्ड बुक्स के जो है वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में पड़े हुए हैं। चाहे आप जीसी लियोन का पापा वीडियो ले लीजिए, चाहे आप जो है आर एस शर्मा का एंशियंट वाला वीडियो ले लीजिए, चाहे आप स्पेक्ट्रम का मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ले लीजिए। तो ये अब बाइलिंगुअल भी हो रहा है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और प्लस मीडियवल वाला, बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं। आप सिर्फ टेलीग्राम पे हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि अभी भी देखिए ये है कि मतलब मान लीजिए अभी कॉपीराइट स्ट्राइक हट गई है, लेकिन फ्यूचर में कौन क्या सोच रहा है किसी को पता नहीं है। और बहुत सारे लोग जो है इसमें, किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए लेकिन कई लोग को दिक्कत तो होती है ये कि सब चीजें कैसे फ्री कर दे रहा है ये, और बार बार क्यों फ्री कर रहा है। अब लोगों का फंडा वो होता है कि आप 100 वीडियो का कोर्स हो तो 3-4 दिखाते हैं वीडियो और फिर कह देते हैं कि हमारा कोर्स ले लो, है ना, वीडियो वीडियो पेड ले लो। तो हम वो नहीं करते हैं यार, हमारे जो वीडियो है सारे फ्री हैं। पेड वालों को भी पता है, वो लोग थोड़ा निराश जरूर रहते हैं इससे, लेकिन वीडियो फ्री रहेंगे, इसमें नहीं हो पाएगा। तो जो लोग नहीं भी मान लो पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वो वीडियो देख के कम से कम जो है आप क्वालिटी मटेरियल लीजिए। यूपीपीसीएस 2019 प्री आ रहा है और हमारी पूरी टेस्ट सीरीज चल रही है, बीपीएससी वाला पूरा दे देंगे। बस आप पढ़ते रहिए लगातार, ठीक है, पढ़ते रहिए और वीडियो को प्रमोट करते रहिए। हर उस गरीब तक जरूर पहुंचाइए वीडियो जिसको जरूरत है, जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकता है। मेरा सपना यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल से, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से सिलेक्शन निकाले फाइनली। मैं वैसे भी कॉर्पोरेट जॉब किया हुआ हूँ मैं 5 साल, तो मैं सिर्फ नंबर्स गिनता हूँ कि कितने लोग हुए फाइनली, जितने प्रयास किए गए उसमें से कितने फाइनली हुए। इसलिए मुझे एग्जैक्टली नंबर तक पता रहता है कि पेड ग्रुप में कितने थे, कितने हुए फाइनली, प्लस फ्री में कितने हुए। तो यही सब मैं काम करता रहता हूँ, कोशिश करूंगा कि और ज्यादा अच्छे से ये सारी चीजें कर सकूं, क्वालिटी और ज्यादा मेंटेन कर सकूं, जितना ज्यादा हो सकेगा पॉसिबल। अब कोई ऐसा टारगेट नहीं रखा करेंगे, लाइक वो 1000 वाली जो करंट अफेयर की सीरीज है वो चालू रहेगी। थोड़ा सा 1-2 दिन का मुझे टाइम दीजिए, मैं इसमें कुछ एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। काफी सारे चैनल में प्लेलिस्ट बहुत वैसी हो गई है, उनको थोड़ा सा ना बैठ के ठीक करना पड़ेगा, वो कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। बाकी आप लोगों ने आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया, और अब कोई टेंशन वाली बात नहीं, कॉपीराइट स्ट्राइक हट चुकी है, सभी लोगों को बहुत दिल से धन्यवाद, ठीक है। इतना नहीं पता था यार कि मुझे मतलब इतना सपोर्ट मिलेगा, इतनी नहीं समझता था, इतनी औकात है अपनी, लेकिन आप लोगों ने दिखा दिया। सैल्यूट है आपको, जय हिंद।